संसद से मोदी सरकार ने चीन को दिया साफ संदेश, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले एलएसी पर मंजूर नहीं होगा कोई भी बदलाव। दोनों पक्ष इस बात पर भी सहमत हुए कि एलएसी को माना जाएगा तथा कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की जाएगी जिससे स्टेटस को बदले। राजनाथ सिंह ने चीन से सीमा विवाद को बताया जटिल समस्या, बोले लेकिन शांति के लिए सहमत हैं दोनों देश। विपक्ष को पसंद नहीं आया रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान, बहस की मांग को लेकर लोकसभा से कांग्रेस ने किया वॉकआउट। सदन से बाहर निकलकर कांग्रेस के सांसदों का गांधी मूर्ति के पास विरोध प्रदर्शन, चीन को लेकर सरकार पर साधा निशाना। हम जानते हैं ये सरकार डरते हैं अगर कांग्रेस कोई सवाल पूछ दे, पूछने से जवाब तो नहीं है क्या कहेंगे, डरते हैं। रक्षा मंत्री के बयान पर ओवैसी ने उठाए सवाल, पूछा सच बताने से क्यों घबरा रही है सरकार। और आज जितने भी हालात वहां पर हो रहे हैं कि क्या हम 1000 स्क्वायर किलोमीटर पर जो हम पेट्रोलिंग करते थे आज हम नहीं कर सक रहे पेट्रोलिंग, तो ये एक सिर्फ एक स्टेटमेंट दिया गया है जिससे सच्चाई से कोई ताल्लुक नहीं है ग्राउंड पर। राजनीतिक गहमागहमी के बीच लद्दाख में वायुसेना ने संभाल रखा है मोर्चा, फॉरवर्ड पोस्ट पर तैनात जवानों को राशन सप्लाई करने का काम। एससीओ की मीटिंग में पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा का भारत ने दिया करारा जवाब, फर्जी नक्शा दिखाने पर किया मीटिंग का बॉयकॉट। कोरोना संकट के चलते 30% कटेगा सांसदों का वेतन, लोकसभा से पास हुआ बिल। संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के पास लेफ्ट पार्टियों का प्रदर्शन, सरकार पर किसान विरोधी नीतियों का आरोप। बिहार में चुनाव से पहले विकास कार्यों की सौगात, पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से किया 7 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। बिहार के दरभंगा में बनेगा नया एम्स, मोदी कैबिनेट ने दी मंजूरी, लोगों में खुशी की लहर। रघुवंश बाबू की अंतिम चिट्ठी को लेकर शुरू हुई राजनीति, पटना में चिट्ठी वाले पोस्टर्स के जरिए मांझी की पार्टी ने आरजेडी पर कसा तंज। बीजेपी ने रघुवंश बाबू के हस्ताक्षर को बताया फर्जी, कहा आरजेडी को नहीं करनी चाहिए छोटी राजनीति। आरजेडी चिट्ठी रघुवंश बाबू के सानिध्य में सालों तक हमें रहने का, उनसे कुछ सीखने का मौका प्राप्त हुआ है और बहुत करीब के संबंध रहे हैं। मैं सारे लोगों का लिखावट भी जानता हूं, अगर कोई झूठ बोल रहा है तो प्रूफ कर दे। मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर तेज हुई राजनीति, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी सीटों पर किया बीजेपी की जीत का दावा। इंदौर में उपचुनाव को लेकर राजनीति तेज, बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं के कांग्रेस में शामिल होने से दोनों पक्षों में जुबानी जंग। मध्य प्रदेश में सेवा सप्ताह में छाए प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री शिवराज ने किया फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन। सुशांत सिंह केस में बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन पर आरोप पर जया बच्चन का एतराज, कहा बॉलीवुड को बदनाम करने की हो रही है कोशिश। बीजेपी सांसद रवि किशन के बयान पर जया बच्चन ने जताई नाराजगी, कहा जिस थाली में खाते हैं उसी में कर रहे हैं छेद। इट्स अ शेम, जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं, गलत बात है। आई नीड द प्रोटेक्शन, द इंडस्ट्री नीड्स द प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट। जया बच्चन के हमले पर रवि किशन का पलटवार, कहा मैं जिस थाली में खाता हूँ उसमें नहीं करता छेद। मेरी पीड़ा यही थी पार्लियामेंट में कि मेरी इंडस्ट्री को बचाना, द लार्जेस्ट फिल्म प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड, कौन है कई हजार करोड़ की इंडस्ट्री को तोड़ना चाह रहा है, कौन इस इंडस्ट्री को खत्म करना चाह रहा है। जया बच्चन ने राज्यसभा से गंगा को भी घेरा, कहा कुछ लोग बॉलीवुड को बता रहे हैं गटर। जया बच्चन के बयान पर डिफर गई कंगना, कहा अगर श्वेता या अभिषेक के साथ कुछ होता तो क्या तब भी आप यही कहती। जया बच्चन को मिला शिवसेना का साथ, संजय राउत बोले कुछ लोग बॉलीवुड को कर रहे हैं बदनाम। हर क्षेत्र में, राजनीति में है, उद्योग क्षेत्र में है, संगीत क्षेत्र में हो सकते हैं, ये थोड़े बहुत लोग होते हैं जिसकी वजह से पूरी इंडस्ट्री जो बदनाम होती है।
बॉलीवुड में ड्रग्स कनेक्शन के आरोप पर गायक और केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने जताई आपत्ति, कहा कई लोग बेहद मेहनती और अनुशासित हैं इंडस्ट्री में। एक बास्केट में आप कॉर्पोरेट वॉल देखिए, कोई भी वॉल देखिए, एक बास्केट में बहुत सारे संतरा के साथ, ऑरेंजेस के साथ, एक दो रॉटन ऑरेंजेस होता ही है। बॉलीवुड को इस तरीके से टार्निश करना जो है, ये पॉलिटिकल चीज़ में मत जाइए। बॉलीवुड का एक हिस्सा होने के नाते मैं इसके साथ सहमत नहीं। बॉलीवुड के बड़े नामों पर जारी है कंगना का वार, कहा सिर्फ करण जौहर और उनके पिता की नहीं है इंडस्ट्री, हर कलाकार और मजदूर की है फिल्म इंडस्ट्री। दफ्तर में तोड़फोड़ के लिए कंगना ने बीएमसी से मांगा 2 करोड़ रुपए का हर्जाना, बॉम्बे हाईकोर्ट की याचिका दाखिल की, 22 सितंबर को होगी अब सुनवाई। सुशांत सिंह राजपूत के केस में ड्रग्स कनेक्शन में बड़ा खुलासा, एनसीबी के सामने बोटमैन ने कबूल किया, रिया और सारा के साथ अक्सर आया करते थे सुशांत। एनसीबी सूत्रों के अनुसार रिया ने अपने बयान में सिमोन खंबाटा, रकुलप्रीत का भी लिया नाम, दोनों को भेजा जा सकता है समन। सुशांत केस में ईडी ने दर्ज किया फिल्म निर्माता दिनेश विजयन का बयान, करीब 8 घंटे तक पूछताछ हुई, सुशांत के साथ इन्होंने बनाई थी फिल्म राब्ता। शिव सैनिकों के गुस्से का शिकार हुए नेवी के पूर्व ऑफिसर मदन शर्मा ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की, राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। मदन शर्मा मामले में राष्ट्रीय सैनिक संस्था ने उद्धव ठाकरे को दिया अल्टीमेटम, 3 दिन में माफी नहीं मांगी तो आजाद मैदान में करेंगे प्रदर्शन। दिल्ली दंगों के मामले में दिल्ली विधानसभा समिति के नोटिस पर फेसबुक ने जताई आपत्ति, जवाब में कहा यह केंद्र सरकार का मामला है। फेसबुक के जवाब पर भड़की आम आदमी पार्टी, बताया दिल्ली विधानसभा की तोहीन, पेश होने के लिए दिया अल्टीमेटम। हमारे देश में बेकाबू है कोरोना की रफ्तार, 50 लाख से ज्यादा मरीजों की तादाद हो गई, 24 घंटों में 83,000 से ज्यादा मामले आए, 24 घंटों में 1,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, अब तक 80,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। महाराष्ट्र में 24 घंटों में कोरोना के करीब 18,000 नए मामले, 10,77,000 के पार कुल आंकड़ा, यूपी में 24 घंटों में 5,000 से ज्यादा नए मामले, 3,17,000 के पार पहुंचा आंकड़ा, दिल्ली में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना, 24 घंटों में 4,200 से ज्यादा मरीज। अजमेर में कोरोना से लड़ाई के लिए कार्टून किरदार की मदद, छोटा भीम के जरिए प्रशासन ने चलाया जागरूकता अभियान। जम्मू में डोगरा फ्रंट का विरोध प्रदर्शन, जया बच्चन के बयान को लेकर नाराज। तमिलनाडु के तंजौर में एनईटी नीट परीक्षा रोकने को लेकर एसएफआई छात्रों का प्रदर्शन, पुलिस ने किया बल प्रयोग। केरल के कोझिकोड में केएसयू कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन, पुलिस ने किया वाटर कैनन का इस्तेमाल। अलीगढ़ में एनएसयू के कार्यकर्ताओं ने फूंका मुख्यमंत्री योगी का पुतला, रोजगार देने की मांग को लेकर हल्ला बोल। कानपुर में मुख्यमंत्री योगी का पुतला फूंकने को लेकर विवाद, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की पुलिस से हुई झड़प। प्रयागराज में यूनिवर्सिटी छात्रों ने कपड़े उतारकर किया प्रदर्शन, संविदा भर्ती का किया विरोध। एएमयू के छात्रों का केंद्र के खिलाफ प्रदर्शन, जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद की रिहाई की मांग। अमृतसर से जालंधर के रास्ते में व्यास पुल पर किसानों का दूसरे दिन भी धरना, केंद्र सरकार के खिलाफ नाराजगी। अमृतसर में किसानों के विरोध प्रदर्शन को लेकर बड़ा बवाल, धरने के खिलाफ ट्रक ड्राइवर्स ने खोल दिया मोर्चा। जम्मू कश्मीर के गांधरबल में हिजबुल मुजाहिदीन के मॉड्यूल का खुलासा, 3 संदिग्ध गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में कार सवार आतंकवादियों से सुरक्षा बलों की मुठभेड़, 2 जवान घायल। पानीपत में यमुना नदी में डूबे 6 लोग, 2 महिलाओं समेत 3 की लाश बरामद, जारी है 3 की खोज। बिहार के मुंगेर में नहाने के दौरान 3 बच्चियों की मौत, गांव में पसरा मातम। भरतपुर में 3 बेटियों के साथ कुएं में कूदी महिला, 1 ही घर में 4 मौत से गांव में मातम। बक्सर में आकाशीय बिजली ने ली 4 की जान, जिंदा जल गया खेत की रखवाली कर रहा किसान। रोहतक में पैसों के लेन देन को लेकर 2 गुटों में हिंसक झड़प, करीब 1 दर्जन लोग घायल। दिल्ली में नशे में धुत कार सवार ने कई लोगों को मारी टक्कर, 1 की स्थिति गंभीर। चंदौली में अवैध हथियार की फैक्ट्री का भंडाफोड़, गांव के बाहर झाड़ियों में बनाया जा रहा था अवैध तवंचा।
शिरडी से सटे वीरभद्र मंदिर में चोरी, करीब 3.5 लाख के आभूषण चोरी हुए, सीसीटीवी में कैद तस्वीरें। राजस्थान के झालावाड़ में अवैध हथियारों का जखीरा बरामद, 10 पिस्टल, 3 देसी कट्टे, 2 लग्जरी कार बरामद। गुजरात के गोधरा में एनआईए के छापे, जासूसी कांड का मुख्य आरोपी गिरफ्तार। झांसी में आत्महत्या के इरादे से लड़की ने नदी में छलांग लगाई, मछुआरों ने बचाई जान। झांसी में टोल प्लाजा से गुजर रही बस में दर्दनाक हादसा, खिड़की से बाहर निकलने पर यात्री का सर धड़ से अलग हो गया। लखनऊ में टीचर की बेरहमी, ट्यूशन पढ़ने आए 8 साल के मासूम को पूरी तरह से पीटा। मेरठ में चलती कार में महिला से गैंग रेप, 2 गिरफ्तार, कार बरामद। मथुरा में बेकाबू बस की टक्कर में युवक की मौत, गुस्साए लोगों ने जमकर किया हंगामा। हाथरस में इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान में हथियारों के दम पर लूटपाट, सीसीटीवी में कैद वारदात। मुजफ्फरनगर में 20 किलो चरस बरामद, 3 गिरफ्तार। पन्ना में एक शख्स ने जमीन के विवाद में बड़े भाई की हत्या कर दी, जेल से परोल पर छूटे थे दोनों भाई। दिल्ली एनसीआर में धुंधला हुआ आसमान, मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार बारिश नहीं होने से प्रदूषण बढ़ गया। विजयवाड़ा में भारी बारिश से कृष्णा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी, ओवरफ्लो के खतरे को देखते हुए खोले गए प्रकाशम डैम के गेट। नासिक में सड़कों पर उतरे प्याज किसान, किसान निर्यात पर रोक लगाने के फैसले का विरोध। अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट पर सी प्लेन सर्विस की तैयारी, 287 अंकों की बढ़त के साथ 39,044 में बंद हुआ सेंसेक्स। छह सरकारी कंपनियों को बंद करने की तैयारी में सरकार। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।